हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी के फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम द्वारा MRSAM के टेस्ट कंडक्ट किए गए और ये 7 मार्च को कंडक्ट कराए गए इंडियन नेवी द्वारा। और इस टेस्ट के अंतर्गत इस मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया एंटी शिप मिसाइल्स को इंगेज करने के लिए। तो इस टेस्ट की वीडियो फुटेज भी रिलीज करी गई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये मिसाइल हाई एल्टीट्यूड के टारगेट्स को और सी स्किमिंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती या फिर इंटरसेप्ट करती दिखाई दे रही है। तो मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस यहाँ पर किए गए और वो भी रात में किए गए, जिसमें इजीली ये देखा जा सकता है कि दो तरीके के टारगेट्स को यहाँ पर इंगेज किया गया है। तो इस मिसाइल सिस्टम को ऑनबोर्ड VLS लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये चीज़ हम आपको बता दें कि INS विशाखापट्टनम में एक बार में 32 यानी कि 32 बराक 8 सरफेस टू मिसाइल कैरी करी जाती है, जो कि 4x8 सेल VLS कॉन्फ़िगरेशन में है। तो MRSAM की जो मैक्सिमम रेंज है ये 0.5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की बताई जाती है और ये हर तरीके के टारगेट्स को इंगेज कर सकती है और ये दुनिया की बेस्ट सरफेस टू अर्थ मिसाइल्स में से एक है। तो ये सरफेस टू अर्थ मिसाइल सिस्टम बेस्ड है इंडो इजराइली बराक 8 सिस्टम पर और यहाँ पर मिसाइल करीबन Mach 3 के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम है और करीबन 20 किलोमीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जो कि फीट में 65,000 फीट के भी ऊपर है और मैक्सिमम फाइटर एयरक्राफ्ट इतने हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई नहीं करते। तो ये मोर देन एनफ सर्विस सीलिंग है। साथ ही जो रेंज है ये भी मीडियम मिसाइल की रेंज है और ये शॉर्ट रेंज में भी, जो कि मात्र 0.5 किलोमीटर की है, उसमें भी टारगेट को इंगेज कर सकती है। तो इस मिसाइल को टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलती है ऑनबोर्ड रडार से, जो कि इस केस में हाईली एक्यूरेट एल्टा ELM 2248 MF स्टार रडार है, जो कि खुद अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्कैन कर सकता है। तो ये मिसाइल 2-way डेटा लिंक के साथ आती है, यानी कि यहाँ पर टारगेट की इंफॉर्मेशन रडार द्वारा फीड तो करी ही जाती है, साथ ही साथ मिसाइल द्वारा भी फीडबैक जो है वो वापस भेजा जाता है। तो ज़्यादा एक्यूरेट कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है। तो ये मिसाइल ऑनबोर्ड एक्टिव रडार के साथ आती है, जो कि खुद एक रेंज के बाद टारगेट को स्कैन करने में सक्षम है और मिसाइल को गाइड करने में सक्षम है। तो इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स के साथ ये क्रिटिसिज्म रहता था कि ये वेल प्रोटेक्टेड नहीं है। जो वेस्टर्न वॉरशिप्स हैं वहाँ पर आपको लेयर्ड एयर डिफेंस देखने को मिलेगा, पर कंपैरेटिवली हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हैं और वो भी एक ही टाइप की, ये जनरली बराक 8 या फिर इसकी वेरियंट MRSAM है। पर ये चीज़ हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि ये 32 मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं और MRSAM के कॉम्बिनेशन के साथ ये काफ़ी हाई डिग्री की एक्यूरेसी और किल रेशियो को प्रोवाइड कराने में सक्षम है। तो इंडियन नेवी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में दो तरीके के इंटरसेप्शन को शोकेस किया गया। पहला जो इंटरसेप्शन था ये सी स्किमिंग मोड पे था और यहाँ पर जो सी स्किमिंग हमने देखी ये एक्चुअली पानी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इतनी क्लोज थी कि जो इम्पैक्ट हुआ था इंटरसेप्शन के बाद उसका एक्सप्लोजन पानी के सरफेस तक पहुँचा था। तो जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं ये सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करती हैं अपने आप को जो डिस्ट्रॉयर्स हैं या फिर जिस शिप को अटैक कर रहे हैं उनके रडार से बचाने के लिए और सरफेस टू अर्थ मिसाइल से बचाने के लिए। और इस वीडियो में MRSAM ने ये प्रूव किया कि एक्सट्रीम सी स्किमिंग कैपेबिलिटी वाली एंटी शिप मिसाइल को भी यहाँ पर MRSAM बड़े आराम से इंटरसेप्ट कर सकती है। साथ में हाई एल्टीट्यूड टारगेट को भी यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, जैसा कि मिनिमम इस सरफेस टू अर्थ मिसाइल से एक्सपेक्ट किया जाता है, और दोनों में ही यहाँ पर सफलताएं मिली, जिसका वीडियो अवेलेबल है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सी स्किमिंग कैपेबिलिटी शोकेस कर रही ये मिसाइल जो इंटरसेप्ट करी गई, ये सबसोनिक मिसाइल थी या सुपरसोनिक मिसाइल थी? तो इस वीडियो में डेफिनेटली इतनी क्लैरिटी नहीं है कि ये गेस किया जा सके कि किस टाइप की मिसाइल थी, पर हमें जहां तक लगता है कि ये सबसोनिक मिसाइल रही होगी, ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करके यहां नहीं देखा गया होगा। सुपरसोनिक इंटरसेप्शन की प्रैक्टिस के लिए DRDO द्वारा DRDO स्टार बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक टारगेट, पर ये अभी बन ही रही है तो डेफिनेटली ये भी यहां पर यूज़ नहीं की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि MRSAM ब्रह्मोस को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस वीडियो में ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करके नहीं देखा गया है। तो MRSAM दुनिया की बेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल्स में से एक है और ये हमारी नेवी के साथ तो सर्विस में है ही, साथ ही साथ आर्मी और एयरफोर्स के साथ भी सर्विस में है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।